नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे आज 30 रुपए 35 रुपए के स्टॉक के बारे में, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे तो हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, हर एक बात आपको इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगी और अपना व्यू आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे पर्सनल भी क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो जाके तुरंत फॉलो करिए, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत खुलवाइए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, टेक्निकल व्यू, आपको फंडामेंटल व्यू, सारे उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जाके तुरंत डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो दोस्तों जिस स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टॉक की कीमत 34 रुपए के आसपास लाई कर रही है। स्टॉक में डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 1,13,00,000 शेयर्स के आसपास उठाई जा रही है, यानी कि इन पर्टिकुलर लेवल्स पे भी काफी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो अब स्टॉक में अगर देखेंगे तो स्टॉक भागा कितना है, 29 रुपए के लेवल पे स्टॉक अभी लाई कर रहा था। RSI अगर आप देखेंगे 29 रुपए के लेवल पे स्टॉक बहुत दिनों से कॉन्सोलिडेट हो रहा था। पेशेंस जिन लोगों ने रखा, कुछ लोगों ने नई पोजीशंस भी ली, कुछ लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, तो जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू ना रखिए, क्योंकि इसमें एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर जो स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा, तो वीडियो के अंत में आपको वो अपडेट देखने को मिलेगी। तो देखिएगा पेस बना और देखिएगा ओवरबॉट जोन में RSI पहुंच चुका है, यानी स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई वहां से स्टॉक बहुत तेजी से भागा और कई सारे रेजिस्टेंस भी ब्रेक आउट कर दिए हैं। लेकिन स्टॉक में जो इस समय का जो सिचुएशन है, टेक्निकल व्यू है, वो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में, यानी कि अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, देन नेक्स्ट फेज देखने को मिलेगा। पहले प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और फिर नेक्स्ट फेज आपको बेस बना के देखने को मिल सकता है। तो आपको जो व्यू देखने को मिलेगा, RSI 74 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स 92 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि बेस बनेगा, देन आफ्टर दैट एक मूव देखने को मिल सकता है। MACD क्या कह रहा है, बुलिश है स्टॉक। स्टॉक क्या है, बुलिश है। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग हैं जिनके पोजीशन ऊपर की तरफ स्टक है, मैं उनके लिए भी वीडियो लाया हूं, और लेकिन अभी मैं आपको किसी भी तरीके की ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत अचानक से फ्रेश बाय कर लें। आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक के आसपास आइएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब एग्जीक्यूट होंगे तभी आपको इसमें एक बढ़िया वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में आपको वैल्यूएशन तभी बढ़िया देखने को मिलेगा। 19 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये के लेवल से स्टॉक हमारे पास है, मेरे पास है, और मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं, कई सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग 42 के लेवल से आई थी, देन आफ्टर दैट देखिएगा फिर से एक पेस बना है। तो हर चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू आपको करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेवल सजेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो देखिएगा अभी जल्दी में हमने हाल ही में वीडियो बनाया था और बताया था 35 का रेजिस्टेंस है, और 35 का रेजिस्टेंस देखिएगा ब्रेकआउट भी हो चुका है दो बार, और आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली दो सेशन में काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स दे रहा है, स्टॉक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 29 रुपए के लेवल से यहाँ पे जो एक मूव देखने को मिला है, इसलिए स्टॉक में अभी ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखने को मिलेगी। 36, 38, 39 ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम स्टॉक में ज्यादा लोग जो स्टक हुए थे वो इन लेवल्स पे हुए थे। काफी दिनों तक स्टॉक 35 के लेवल पे बेस बनाया था, और जब वो बेस टूटा था तो स्टॉक सीधे 29 के आसपास आ गया था। तो इसीलिए कह रहे हैं जितना स्टॉक ऊपर जाएगा सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और काफी लोग 40 प्लस टारगेट में भी लेके इसको बैठे हुए हैं। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इसमें बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिएगा GMR, L&T, भेल अमंग 13 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट करे गए हैं ऑपरेटिंग प्राइवेट ट्रेन्स, यानी कि प्राइवेट ट्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए GMR, L&T, भेल इनके साथ 13 ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए।
बट ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, तभी स्टॉक पे भी आपको वो वैल्यूएशंस देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए जो इन्वेस्टर हैं जिसमें फंसे हुए हैं, उनके लिए ये यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है। एटलीस्ट 13 प्लेयर्स इंक्लूडिंग GMR, IRCTC, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, वेलसन एंटरप्राइजेस, ये सारी इंडियन कंपनी देखिएगा ऑपरेटिंग प्राइवेट ट्रेन ऑन इन 12 क्लस्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है, विच इज वेरी गुड। और देखिएगा क्योंकि कंपनी क्या है, PSU है, तो आपको पता है गवर्नमेंट यही चाहेगी कि PSU कंपनी ज़्यादा आगे आए और उन्हीं को ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले, और देन आफ्टर दैट ये मेरा एस्टिमेशन है कि आगे वो बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट है 30,000 करोड़ का जो एस्टिमेशन किया गया है, ये पूरे प्रोजेक्ट का किया गया है। बट इसमें अभी एग्जीक्यूशन में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसीलिए कह रहे हैं जब एग्जीक्यूशन आएगा तभी आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो अपडेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, जो लोग इसमें बैठे हुए हैं, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं पर्टिकुलर न्यूज़ लाया था। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म व्यू क्या है। देखिएगा आपको पता होगा कि अभी लास्ट 3 सेशन में स्टॉक ने ये लेवल ब्रेकआउट करा है, बट अभी वैसा ब्रेकआउट नहीं आ रहा है कि सर्वाइवल भी आए, यानी कि ब्रेकआउट आ रहा है बट स्टॉक उसके ऊपर 35 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो 35 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आना और एक बेस बनाना वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए, तभी आपको 36 का लेवल और 37 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये सारे क्रूशियल लेवल हैं क्योंकि ऊपर के लेवल पे काफ़ी लोग स्टक हैं, तो वो अपना माल बेच के निकलने की भी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक में जितनी भी एक पेस बनेगा, देन आफ्टर दैट आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और हो सकता है अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पर सर्वाइव ना कर पाए, तो अभी के लिए जो इंस्टेंट बेस है ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है इस समय का 33.50 रुपये, इसके ऊपर अगर स्टॉक बरकरार रहता है तभी आपको ऊपर की चाल देखने को मिलेगी। फिर से अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो फिर ये 30 से 31 के लेवल पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो ये हो गई ट्रेडर्स का व्यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो अपडेट थी वो भी हमने बता दी, ताकि आप पैनिक ना हो, चीजें हैं और कंपनी भी है और काफी अच्छा एग्जीक्यूशन भी है प्रोजेक्ट्स का, बट इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और फर्दर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।